हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित आर्य और आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। ए पार्टिकल इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन अ फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल एक्सटेंडेड फ्रॉम एक्स इजिकल टू माइनस एल वाई टू टू एक्स इजिकल टू एल वाई टू। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज साइन इज इक्वल टू ए एंड इट्स अकर एट एक्स इज इक्वल टू एल वाई थ्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू एल वाई टू पे। मीन्स हमारे पास एक फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है जिसकी लेंथ एक्स इज इक्वल टू माइनस एल वाई टू से एक्स इज इक्वल टू एल वाई टू है, जिसमें एक पार्टिकल है इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। मीन्स हमारे पास एक फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। तो हम जानते हैं हमारा जो फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस एल वाई टू है और ये x इज इक्वल टू एल वाई टू है। तो ये हमारे पास फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है जिसमें पार्टिकल इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रखा हुआ है। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास ये है कि x इज इक्वल टू एल वाई थ्री पे, यानी कि x इज इक्वल टू एल वाई थ्री पे वेव फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, साइन इज इक्वल टू ए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एल वाई थ्री पे वेव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है साइन इज इक्वल टू ए। और हमसे वेव फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है एक्स इज इक्वल टू एल वाई टू पे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन तो वी नो दैट द वेव फंक्शन ऑफ स्क्वायर वेल पोटेंशियल वो कितना होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास साइन इज इक्वल टू ए साइन के एच। ये हमारे पास वेव फंक्शन होता है स्क्वायर वेल पोटेंशियल में। अब हमारे पास कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन यह है कि एट, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई थ्री पे जो हमारे पास साइन है उसकी वैल्यू कितनी है ए, यानी कि ये मैक्सिमम है, साइन हमारे पास मैक्सिमम है कब, जब एक्स इज इक्वल टू एल बाई थ्री पे। मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई थ्री जो हमारे पास साइन है वो कैसा है, साइन इज मैक्सिमम, साइन इज मैक्सिमम और वो कितना है ए। तो साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए है, तब ये हो जाएगा हमारे पास साइन की वैल्यू ए इज इक्वल टू ए साइन के एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास एल बाई थ्री। तो ये हो गया हमारे पास, तो ए से ए कैंसिल हो गया क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम है ए, तो हमने ए रख दिया। कब है, जब एक्स इज इक्वल टू एल बाई थ्री है तो यहाँ पे एल बाई थ्री रख दिया। तो यह आ गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास कितना, वन इज इक्वल टू साइन के एल अपॉन थ्री, यह आ गया हमारे पास साइन के एल अपॉन थ्री। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स वन, साइन को इधर लिया है तो साइन इनवर्स वन इज इक्वल टू कितना हो गया के एल अपॉन थ्री, यह आ गया हमारे पास के एल अपॉन थ्री। अब साइन इनवर्स वन की वैल्यू वन कब होती है साइन में, साइन में वन कब आता है, नाइन नाइनटी पे आता है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है वन, तो साइन इनवर्स वन की वैल्यू होगी पाई बाई टू इज इक्वल टू के एल अपॉन थ्री, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे के की, तो के की क्या वैल्यू आ जाएगी, अब यहां से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, के आ जाएगा हमारे पास थ्री पाई अपॉन टू एल, ये हमारे पास के आ गया है। अभी हमारे पास के आ गया है, अब हमको वेव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पे। तो अब हमको फाइंड करना है पाइन साइन एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, और साइन हमारे पास क्या था, साइन था हमारे पास साइन इज इक्वल टू होता है ए साइन के एक्स। तो ये हो गया हमारे पास ए साइन के की वैल्यू कितनी है हमारे पास थ्री पाई अपॉन टू एल, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास एल बाई टू, क्योंकि एल बाई टू पे हमको फाइंड करना है।
तो ये हो गया इस एल से, ये एल क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये कितना हो गया ए साइन 3π/4। तो ये आ गया हमारे पास ए साइन 3π/4, और ए साइन 3π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये आ गया हमारे पास साइन इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट टू, ये आ चुका है। तो साइन 3π/4 इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/√2। ये वैल्यू हमने कैसे फाइंड करी, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है साइन में, यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं कि ये वैल्यू हम कैसे याद रख सकते हैं। तो यह आ गया हमारे पास साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो साइन इज इक्वल टू कितना आ गया ए अपॉन अंडर रूट टू एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पर। तो ये था हमारे पास आंसर। थैंक यू।